नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको घर की वायरिंग कैसे की जाती है और कौन कौन से बोर्ड लगाया जाता है वो हम आपको बताएंगे। यहाँ पर हम मेन बोर्ड की कटिंग की है, इसके बाद हम इसके नीचे में पावर और फुट लाइट की कटिंग कर देंगे। यहाँ पर हमने बेड स्विच दिया है, इसके बाद यहाँ पर हम लाइट और इसके बाद यहाँ पर लाइट देकर नीचे टीवी का एक बोर्ड लगाएंगे। तो चलिए बाहर से हम आपको दिखाते हैं कि कितने रूम हैं और कहाँ पर एमसीबी बॉक्स लगाना है। तो देखिए यहाँ पर हमको एमसीबी बॉक्स लगाना है, उसके बाद इसके बगल में एक रूम है, ये देखिए यहाँ पर एक रूम है, उसके बाद ये दूसरा रूम है और यहाँ पर ये तीसरा रूम है। हमें तीनों रूम की वायरिंग करनी है, तो चलिए हम तीनों रूम की वायरिंग करते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए हम एक ही रूम की वायरिंग करके आपको बताएंगे कि किस तरीके से हम कहां पर कौन सी लाइट और मेन बोर्ड और फुट लाइट लगाएंगे। यहां पर हम पहले लाइट के लिए कनेक्शन कर देंगे। यहां पर एक सर्कुलर लगा देंगे और उसके नीचे हम टीवी का बोर्ड लगाना है, इसलिए हम नीचे के लिए भी पाइप लगा लेंगे। पाइप बड़ा है इसलिए हम काट लेंगे इसको। इसी तरीके से हम पूरे रूम की वायरिंग करके आपको दिखाते हैं। यहाँ पर हम टीवी के लिए एक बोर्ड लगा देंगे, 6 मॉडल हम बोर्ड लगाएंगे यहाँ पर टीवी के लिए, क्योंकि यहाँ पर 2 सॉकेट और 2 स्विच होना चाहिए, एक डिश के लिए और एक टीवी के लिए। इसके बाद हम यहाँ पर एक लाइट का पॉइंट लगा देंगे यहाँ पर ट्यूबलाइट के लिए, ताकि यहाँ पर ट्यूबलाइट लगा सकें। इसके बाद हम यहाँ पर बेड स्विच लगाने के लिए यहाँ पर 6 मॉडल का बक्सा डालेंगे। इसके लिए यहाँ पर हम पहले ऊपर में एक लाइट लगा देंगे, लाइट लगाने के बाद नीचे हम एक 6 मॉडल बॉक्स लगाएंगे। बॉक्स की ऊंचाई कम से कम हम 4 फीट रखेंगे, ताकि बेड पर से आराम से स्विच ऑफ ऑन हो सके। बेड स्विच का बॉक्स लगाने के बाद अब हम यहाँ पर मेन लाइन का बॉक्स लगाएंगे। हम यहाँ पर मेन लाइन का बॉक्स 12 मॉडल बॉक्स देंगे।
सबसे पहले हम ऊपर में एक स्क्रू लगा देंगे ताकि तार खींचने में बहुत ही आसानी हो। यहाँ पर हम देखते हैं कि थोड़ी सी पाइप बड़ी है, इसको थोड़ा सा काट लेंगे ताकि हम नीचे से पाइप लगाने में आसानी हो, नहीं तो ये बाहर प्लास्टर से बाहर निकल जाएगी। यहाँ पर हम सॉकेट के मुंह पर टेप लगा देंगे ताकि पाइप लगाते समय फटे नहीं, चाहे क्लिप लगाते समय टूटे नहीं। टेप लगाने से यही फायदा है कि पाइप टूटता नहीं है। यहाँ पर हमने मेन बोर्ड लगाया है, यहाँ पर 12 मॉडल दिए हैं मेन बोर्ड के लिए। अब हम इसी के नीचे एक पावर का और एक फुटलाइट का बोर्ड देंगे। पावर के लिए हम 3 मॉडल और फुटलाइट के लिए हम 2 मॉडल का बॉक्स लगाएंगे। यहाँ पर हमारा एक रूम फिटिंग हो गया है, ये हमने फुट लाइट लगा दिया है। हमारा एक रूम का वायरिंग हो चुका है, इसी तरीके से हम तीनों रूमों का वायरिंग कर देंगे। यहाँ पर देखिए मेन बोर्ड लग गया हुआ है, यहाँ पर बेड स्विच का है, यहाँ पर एक लाइट है, उसके बाद यहाँ पर हमने टीवी का दे दिया है। अब हम बाहर में हम MCU बॉक्स का कनेक्शन करेंगे। तो हम इसी तरीके से MCU बॉक्स लगा देंगे, उसके बाद ऊपर में जहाँ भी पाइप बाहर की तरफ होगा उसको हम क्लिप लगा कर हम ठोक देंगे ताकि हमको प्लास्टर करने में कोई दिक्कत ना हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसी तरीके का और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर आप बने रहिए। धन्यवाद।